हमारे दरमियान तशरीफ फरमा मोहतरमा उलमाए किराम हुलास चकला के मोतबर सामईन किराम को साजिद हुसैन रहमानी का खुलूस भरा सलाम अर्ज कबूल कीजिए मोहब्बत से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, आइए इस जलसा की निजामत फरमा रहे जनाब हाफिज व मौलाना सुफियान साहब, इसी तरह से इस जलसा को जो सवारे हैं सजाए हैं इस मस्जिद के इमाम जनाब कारी इनामुल्ला साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। मैं आप तमाम हजरात को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। इस मैं जब यहाँ आया तो पता चला कि 16-17 घर हैं, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि वही 16-17 में कुछ जान बातें हैं। आइए इससे कब जनाब मौलाना कमर आलम साहब की तकरीर आप हजरात ने सुना और बड़ी दिलपसंद तकरीर उन्होंने फरमाई है। मैं समझता हूँ कि वो ऐसी तकरीर हुई है जिस पर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह मेरा पूरा मुआशरा साजगार हो जाएगा। आखिर में जो बातें कह के वो गुजरे हैं उसी की नक्काली मैं करने जा रहा हूँ अशार के ज़रिए से। ये शेर क्योंकि जलसा का उनवान तालीमी बेदारी भी है। जनाब नाजिम साहब आपकी तवज्जो देखिएगा शेर, मैंने क्या कहने की कोशिश किया है। एक मर कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह क्या बजुर्गों की कभी कर पाएंगे ताजीम वो। देखिएगा जनाब कमरे आलम साहब और सदर जलसा और यहाँ के इमाम साहब जो तशरीफ फरमा है, मैंने क्या कहने की कोशिश की है। देखिएगा शेर, और ये जितने बच्चे हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है उनको भी जहन में रखिए, इशारा मेरा वही है कि क्या बजुर्गों की कभी कर पाएंगे ताजीम वो, जानते तक भी न
नहीं क्या चीज है तकरीम वो, क्या बुजुर्गों की कभी कर पाएंगे ताजीम वो, जानते तक भी नहीं क्या चीज है तकरीम वो। और दुनिया की तालीम में बहुत नवाजी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया फजीलत भाई की तरफ से, माशाल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह देना कबूल, अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। शायरी निजाम जलसे में कहूँगा कि शेर को दोबारा आप पढ़ें। जी जी, दोबारा पढ़ने का मुकर्रर हुक्म हुआ है जनाब मौलाना कमर आलम साहब का। देखिएगा शेर मुलाहज़ा फरमाइए कि क्या बुजुर्गों की कभी कर पाएंगे ताजीम वो, जानते तक भी नहीं क्या चीज है तकरीम वो। अरे दुनिया की आपने मेरे शेर की हिफाजत की है, खासतौर से उलमा तबका, बहुत ही मैंने देखा कि अच्छा आप जरा सुन रहे हैं माशाल्लाह। एक बार कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। अब मैं चार अशार वो पढ़ने जा रहा हूँ जो आपके गांव के हवाले से है। देखिएगा जनाब, मैंने यहीं पर बैठे बैठे कलम बंद किया है। ये हुलास चकला को जहन में रखिए, पढ़ा लिखिएगा शेर, और ये दीन की मजलिस है इसी में जहन में रखिएगा। शेर मुलाहज़ा फरमाइए कि दीन की महफिल सजी है, कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इनाम साहब जो इनाम से नवाज रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह उनको उनका इनाम अता फरमाए। के दीन की महफिल सजी है आज पलान गांव में, कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। के दीन की महफिल सजी है आज पलान गांव में, अरे कुछ सजी है
पनाहगाहों में। अब आप हजरात ने सुना होगा कि जहां जिक्र रसूल होता है रहमतों का नुज़ूल होता है, जहां जिक्र नबी होता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है, और फजल हक से नवाजे जाते हैं ये खुदा का उसूल होता है। इसको जहन में रखिएगा, ये मेरा शेर देखिएगा, मुनाजा फरमाइए। बहुत बहुत और इसी तरह से इमाम साहब की तरफ से, इमाम हाफिज नौशाद साहब इब्न हाजी अली साहब की तरफ से 50 रुपए का इनाम आया है, अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह बड़ा नोट आना बाकी है भाई, बहुत खूब माशाल्लाह। साहब की तरफ से 20 रुपए आया है, अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह अभी तो बरसात हो रही है। माशाल्लाह करीम साहब की तरफ से 8 मोहम्मद असलम साहब की तरफ से भी 20 रुपए आया है, अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह आज समझ में आ गया कि आप लोगों को गांव से कितनी मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाहजा फरमाइए कि जहां जिक्र नबी होता है वो रहमतों का नुज़ूल होता है। इसको सामने रखिए और ये मेरा शेर देखिए कि दीन की महफिल सजी है आज पनाहगाह में, हमको घेरे हैं फरिश्ते रहमतों के चार सू, हमको घेरे हैं फरिश्ते रहमतों के चार सू, और हर आज पना